बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना भरपूर ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, आज आपके लाई हूँ एक बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो। दिलचस्प यूँ है कि थोड़ी सी यूनिक है, और यूनिक यूँ है कि बहुत ही मज़ेदार है। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनाबाद पे। आज आए हैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट को कवर करने के लिए। यहाँ मिल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म के फूड। वो फूड क्या है वो हम आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, थोड़ा सा जरा मुझे बताएंगे आप क्या बना रहे हैं, इसका क्या कोई नया टेक्निक है, कोई क्या चीज है ये? हमें ये 14 इंचेस का लोफ सैंडविच है, एक लॉन्ग सैंडविच होता है आर्टिकल ब्रेड के अंदर। इसके अंदर जो मीट यूज किया जाता है वो बेक्ड होता है, यानी इसमें कोई ऑयल यूज किया नहीं जाता। अच्छा, 14 इंच का जो लोफ है वो आप लोग जो है कहीं से परचेज करते हैं या खुद ही बेक करते हैं? हम ये फर्स्ट ब्रेड नहीं है, पिक एंड फ्राई के बाद ऐसे बहुत सारे ब्रेड है, एक 12 इंचेस का बर्गर केक भी है, ये सारी ब्रेड हम लोग खुद मेक करते हैं। सवाब मेकिंग वगैरह सब आपकी अपनी खुद की होती है? बिल्कुल मैम, प्रॉप प्रोसीड से स्टार्ट कर कंज्यूमर से लेकर प्रोडक्शन तक सब हमारा काम है। तो पहले हम यहाँ चिकन को मैरिनेट करेंगे? नहीं, चिकन लॉज में जाती है, चिकन ऑलरेडी मैरिनेट हुई है। okay. इसका जो फ्लेवर है वो इसका रियल फ्लेवर देगा आपको, मिन्स का। ठीक है, एंड देन ये सॉसेजेस हैं जो हर्ट के फ्लेवर से फिल्ड हुए हैं। अच्छा जी, इसकी कटिंग होगी जी? इसको साबित वगैरह नहीं यूज कर सकते, कटिंग होना को खास इसमें दो पीस चॉप करके डालते हैं, वो चॉप इसलिए होते हैं ताकि जो फ्लेवर है इसमें माल्ट जो आने वाला है वो इसको एनहांस करे, और जो जो दो फ्लेवर हैं इसके वो पूरे फिल्ड होते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से कटिंग, आप देख सकते हैं कटिंग हो रही है यहाँ जबरदस्त किस्म की, और जबरदस्त भाई इसका फ्लेवर कैसा आता है ये भी देखेंगे हम। अच्छा, ये अब ये बेक के लिए जा रहा है? 5 मिनट्स के लिए बेक होता। 5 मिनट्स इसकी टाइमिंग है, 5 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। तो जनाब, ये बेकिंग के लिए चला गया चिकन, 5 मिनट्स वेट करेंगे फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सॉसेजेस को हमने ग्रिल करना है। सॉसेजेस जो है वो सौते होंगे माल्ट के साथ, यानी लोग नॉर्मल इसको फ्लेवर देते हैं ऑयल और बटर, बट हम इसको यूज नहीं करते। अच्छा, ये मैं देख सकती हूँ ये पीस माल्ट है जिसमें ये सॉसेजेस को करेंगे सौते, ऐसे ही है। चले जी, तो यहाँ पे देखते हैं, आप देख रहे हैं कि ये माल्ट जो है इसके अंदर, ये इसको बॉल में इन्होंने डाला है सॉसेजेस को, इसमें कुछ सीजनिंग कर रहे हैं। ब्लैक पेपर है ये, पीस माल्ट से इसको मैरिनेट करेंगे और आवाज आएगी, ये देखिए असल जो फ्लेवर है उसका यही है। मैम एक्चुअली सॉसेजेस जो होते हैं वो फैट लवर्स के लिए होते हैं, तो अच्छा। इसका जो फ्लेवर होता है वो इसके ऊपर पीस इस तरह डाला जाता था कि आपको जो टैंगी और हैकरी फ्लेवर हो वो दिया था। पॉइंट की बात है भाई, वाओ अब इसका वेट कितनी देर वेट करेंगे? मैक्सिमम 1 मिनट। 1 मिनट इसका वेट होगा, फिर आपको दिखाते हैं जनाब। अच्छा जी, देखिए ये किस तरह से तैयार करते हैं, ये हम आपको भी दिखाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं और इनसे ही जानते हैं ये इसमें क्या क्या चीज़ें फिलिंग करेंगे और इसको किस तरह से जो है तैयार करेंगे। इसमें कोई फिलिंग वगैरह की जाएगी? हम बिल्कुल, जो हमने चिकन चॉप करी है सब इसके अंदर जाएगी। अच्छा जी, जो चिकन चॉप हुई है वो सभी इसमें जाके इसकी फिलिंग होगी, बाकायदा इसको सैंडविच की तरह से बनाया जाएगा। चलिए जी, देखते हैं हम भी और आप भी देखें। तो ये इसमें से जो निकलता है इसको दोबारा यूज किया जाता है इसमें या नहीं? नहीं मैम, ये रिसाइकल है। ओके जी, मतलब इसमें से निकालने के बाद इसमें यूज नहीं होता। इसमें सॉस आती है वो स्मोकी बारबेक्यू सॉस है। ये है स्मोकी बारबेक्यू सॉस। जी, ये एक हैकरी फ्लेवर देती है, यानी माइल्ड होता, स्मोकी होता, स्पाइसी नहीं होता सॉस का। मतलब स्पाइसी नहीं होता इसलिए कॉल। इस प्रोडक्ट के अंदर चार तरह के चिकन की टॉपिंग की जाती है। फर्स्ट वन जो हमने मॉल्ट से हमने सौते किया था वो, सेकंड वन जाती है हमारी ब्रेस्ट पीस। ब्रेस्ट जो होता है उसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी जो फिलिंग है वो इसके अपने फ्लेवर्स एनहांस होती है, यानी आप इस चिकन को देख सकते हैं ये पूरा जूसी हो रहा होता है। इस चिकन के अंदर कोई ऑयल यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट चिकन होता है। वेरी नाइस। हेड चिकन हमारी टेंडर लॉइन चिकन है, ये एक रेयर चिकन का पार्ट होता है स्ट्रिप का। इसको चॉप इसलिए किया जाता है ताकि जब आपका मीलिंग टाइम हो, जब आपकी बाइट हो, तो फर्स्ट बाइट में आपको तीनों चिकन मिले, ये नहीं हो कि फर्स्ट बाइट आपके मिस जा रही कोई चिकन से, मतलब हर बाइट में एक मजा आए, इसका टेस्ट आए ना। सैंडविचेस जो फ्रीकेंट फ्राई सर्व करता है वो इसी के ऊपर बिहाफ रखता है कि जो आप बाइट ले रहे हो तो आपको सिर्फ उसे मीट का फ्लेवर नहीं देना चाहिए, आपको वेज का, सॉसेस का, ब्रेड का, इंक्लूडिंग इसके जो बटर है उसका भी टॉपिंग जो है वो फ्लेवर वाइज होनी चाहिए।
या बटर लगा रहे हैं ये इसका बटर कोट होता है इसकी पूरी ब्रेड के ऊपर। ये एक आर्टिकल ब्रेड है जो वन साइड कवर्ड होती है गार्लिक फ्लेवर से, एंड सेकेंड वन जो हम लोग उसमें बटर यूज करते हैं ताकि इसका जो ब्रेड का फ्लेवर है वो एनहांस हो। ये बटर इसके ऊपर की जो कोट है उसको क्रंची कर देता है और इसका इनसाइड है वो इसको बिल्कुल स्मूथ कर देता है। अच्छा, खाने में कितने परसेंट के लिए इनफ होता है? नॉर्मली 2% इसको इनफ कर देता है। नॉर्मली 2% इनफ। साइज जो है इसका वो 14.5 इंचेस है। फर्स्ट जो चिकन थी हमारी जो हमने चॉप की थी फिले वाली वो हमने इसको यूज कर दी। सेकेंड वन जो हमारी चिकन जाने वाली वो ब्रेस्ट है और उससे पहले हम इसको लीफ को कवर करते हैं। लाइट सी वेजिटेबल यूज की जाती है इसके अंदर ताकि जो फ्लेवर है ज्यादा वेज खाना हो, क्योंकि ये चिकन का बन रहा था प्योर चिकन है आपको। ये लेटस के 1.5 लीफ यूज किया जाता है इस पूरे लोफ के अंदर। जनाब आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त किसी में इसके तरीके से इतने मजेदार तरीके से जब ये तैयार हो रहा है तो खाने में कितना मजेदार होगा। तो इसकी तैयारी आपको कंप्लीट हम दिखा रहे हैं, आपने कंप्लीट वॉच करना है और मजीद जो है आप देखें किस तरह से मजीद क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं। रेड हॉट सॉस ये स्पाइसी फ्लेवर को एनहांस कर दी। ये स्पाइसी है जी, ये जो इसका पूरा डेवलपमेंट फ्लेवर है लोफ का स्पाइस के ऊपर वो इसी सॉस के ऊपर बिहाफ होता है, मतलब फुल लोडेड होने वाला है ये इंशाल्लाह। हमारी टेंडर ब्रेस्ट चिकन आ गए जो जूसी फ्लेवर देगी आपको ब्रेड के साथ। लोफ जो कि एक हेल्दी मील है, एक लॉन्ग मील है, इस पर जो मतलब फर्स्ट बाइट से लास्ट बाइट तक अलग अलग फ्लेवर्स हों, इसीलिए सॉसेज इसको सौते किया गया है माल्ट के साथ ताकि जो फ्लेवर था आपको वो हैकरी और टैंगी फ्लेवर, ये ना हो कि प्लेन सॉसेजेस मिल रहा। वैसे तो ऑलरेडी ये सॉसेजेस हर्ब के फ्लेवर से कन्वर्ट हुए हैं बट इसको मजीद बढ़ाने के लिए इसका जो लेवल है इसका जो पिलर है उसको डेवलप करने के लिए इसमें माल्ट यूज़ किया जाता है। अच्छा, मुझे यहाँ बहुत सारे सॉसेजेस भी नजर आ रहे हैं, आप क्या मुझे बताएंगे कि ये आपके अपने होममेड हैं मतलब या फिर अपने बाजार से परचेज किए हुए हैं जैसे आप जो वन बाय वन डाल रहे हैं? मैम अगर आप सॉसेज पूछने जा रहे हो तो इस वक्त हमारे पास 25 किस्म के सॉसेज हैं जो अलग अलग फ्लेवर्स के ऊपर डलते हैं। इसमें हमारे पास कुछ फ्लेवर्स जो हैं वो सैंडविचेस के हैं, कुछ रैप्स के हैं, बट ये ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्शन है हम लोग खुद करते हैं ब्रेड से लेकर मीट तक। मीट सिर्फ जो हमारा रॉ है, जो शेल बॉडीज हैं वो केनन की होती हैं ताकि वो आपको सेटिस्फेक्शन दे और स्किन वाली बॉडी दें। एंड में इसको क्या बेक भी करेंगे आप? बिल्कुल, ये ब्रेक प्रोसेस पे भी जाएगा बट उससे पहले इसमें हमारी चौथी किस्म की चिकन जाने वाली पेपरोनी स्लाइस। वाओ, ये आ गई चिकन पेपरोनी। वैसे देखा जाए तो इसमें टोटल कितनी किस्म की चिकन डली है इसमें? नॉर्मली इसमें 4 किस्म की चिकन डली हुई है बट इसमें जो मेन फ्लेवर जो हेल्दी मील के लिए वो 2 चिकन है और 2 इसमें जो है मतलब फ्लेवरफुल है साइड नाइन चिकन। वो जनाब अब बारी आने वाली है चीज की और फिर उसके बाद जो आपको बड़ा ही मजेदार सा ये सॉसेस और मजीद डाल रहे हैं, ये कौन सा सॉस है? दिस वन इज चिपोटले सॉस। ये रियल एम्बासा के टिन से निकलती है रॉ में। एंड चिपोटले सॉस जी, ये जो चीज का है जो रेड चेडर है एडम्स का होता है रॉ में, इसकी मिक्सिंग इस तरह से होती है कि जो आपको स्टिक्स और इसके जो चीज का फ्लेवर वो दोनों मिले। नॉर्मली अगर आप मोजरेला रहते हो तो चीज का फ्लेवर फ्लैट होता है जैसे स्टिक्स होते हैं बट इसमें स्टिक्स और आपको फ्लेवर दोनों मिलेगा। जो कि हमारा लोफ है वो फ्लेवरफुल है, स्मोकी है, तो इसको और मजीद बढ़ाने के लिए इसमें बेसल यूज़ किया जाता है। बेसल एक लीफ को चॉप करके बनाया जाता है। ब्रेड जो कि एक आर्टिकल ब्रेड लेंथी और हैवी, इसको जो ड्राई ना हो इसलिए इसमें स्मोकी बारबेक्यू जो फर्स्ट हमने सॉस इंजेक्ट की थी बेस पे जो हमने इसके हील पे टॉप की थी उसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे इसके हैचेस पे। जनाब आप ये देखें जरा, इसके अंदर सॉसेस को इंजेक्ट किया जा रहा है बाकायदा ताकि अंदर से जो सॉसेस जो हैं वो ड्राई ना रहे, जो लोफ है वो ड्राई ना रहे और अच्छी तरीके से सॉसेस का फ्लेवर वगैरह सारा इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। नाउ इट्स डन। अब इसका प्रोसीड जो है वो मतलब बेकिंग प्रोसेस पे होगा। इसको स्पाइस का फ्लेवर था और इसका जो स्मोकी फ्लेवर था वो अल्टीमेट होता है इसकी ब्रेड के ऊपर के हिसाब से। ये नहीं होता कि क्वालिटी रहती है कि आपका स्पाइस ज़्यादा आ रहा हो या नॉर्मल सॉस ज़्यादा आ रही, सब कुछ इक्वल होता है। जनाब ये जा रहे हैं अब बेकिंग की साइड पे।
तो जनाब आपके सामने इस वक्त देख सकते हैं मीट एंड मॉल्ट 14 इंच लॉस आ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रीक एंड फ्राइज पे, जहाँ पे आपको मिल रही सैंडविच की बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की वैरायटी। तो ये हमारे सामने सब मौजूद है, अकॉर्डिंग टू 14 इंच का ये साइज़ है। और इसको साथ इन्होंने जो सर्व किया है ये कटर भी है, पिज़्ज़ा कटर जैसे होता है। इसको हम कटिंग करेंगे और मेरे ख्याल से ये 2% कह रहे हैं, लेकिन जितना ये लोडेड है ना, ये 3% के लिए मेरे ख्याल से 3 से 4% इसको आराम से खा सकते हैं। तो इसको हम ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी कटिंग की, कि फुल लोडेड है। इसको हम खाते हैं, फिर आपको इसके बाद मिलते हैं खाने के बाद, फिर आपको मजीद रिव्यू देते हैं। फुल लोडेड है और जो है इसमें सॉसेजेस हैं, चिकन भी है। ब्रेड का तो फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ब्रेड का फ्लेवर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। खाना हमारा डन, ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है, बड़ी मेहनत से तैयार किया। तमाम वेराइटी जो है इनके पास बहुत अच्छी है, काफ़ी रश भी है। अगर मैं बात करूं अपने टेस्ट बड्स की, तो बात यह आ जाती है कि मुझे जो है लिक्विड और ये सॉसेज वगैरह ना जो होते हैं इसके अंदर, वो मुझे इस तरह के खाने बहुत कम पसंद आते हैं। तो इसमें तो फुल लोडेड था, डिफरेंट किस्म के इसमें अंदर तकरीबन 6 किस्म के इन्होंने जो है सॉस डाले थे और 4 किस्म के इसमें इन्होंने चिकन डाली। चिकन को मैंने खूब इंजॉय किया, ब्रेड को इंजॉय किया, बहुत अच्छा फ्लेवर था। लेकिन जो सॉसेज थे ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन आपको मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ने यहाँ आना है, और यहाँ के जो है डिफरेंट वैराइटीज है सैंडविच की, अच्छी एक जो है अपॉर्चुनिटी है कि नॉर्मल हम लोग जो है नॉर्मल क्लब सैंडविच और ये सारे सैंडविच खा के जो है ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो ये ट्राई करना बनता है। तो आप लोग लाजमी विजिट करें। लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, जब आप हुसैनाबाद आएँगे कराची हलीम के जस्ट लाइन वाले रोड, कराची हलीम से आप टब्बा हाट जा रहे हैं तो कराची हलीम भी राइट साइड पर पड़ेगा और ये भी आपको राइट साइड पर पड़ेगा, फ्रैक एंड फ्राइज के नाम, ठीक है। छोटा सा कार्ट एक शॉप, बड़ी खूबसूरत से डेकोरेशन हुई होगी आपने देखी वीडियो में। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, लाजमी विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कराची वालों के लिए हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब माई चैनल विच इज ब्लॉग बाय समीना अंजुम। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।